गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम आरके चौधरी है, आप देख रहे हैं आरके वीडियो स्टोर। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी दबाना ना भूलें, घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा तो सबसे पहले हमारा वीडियो आप देख पाएंगे। तो चलिए आज करते हैं पेट्रोनिक्स चार्जर अनबॉक्सिंग। एक तरफ देख रहे हैं पेट्रोनिक्स ब्रांड दिया हुआ, नीचे की तरफ अडेप्टर 464 इसका मॉडल नंबर है। और ये देख रहे हैं 2.4 एम्पियर चार्जर विथ टाइमिंग कंट्रोलर। और नीचे की तरफ ये चार्जर फास्टर स्मार्ट। तो साइड में देखने को मिल जाता है टाइमिंग कंट्रोलर सेटिंग, डुअल यूएसबी पोर्ट, 2.4 एम्पियर आउटपुट इसका है। और इधर आईसी लगा हुआ है, अच्छे क्वालिटी का आईसी लगा हुआ है। तो अब देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये चार्जर एक घंटे के लिए एक लाइट जलेगी, वो आपको ऊपर देखने को मिल जाता है। और इधर मॉडल नंबर मिल जाता है 464 प्रो मॉडल नंबर इसका है। और इसका एमआरपी प्राइस मिल जाता है 699 रुपये। तो हमने लिया है इसको, तो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो हम लिए हैं वो प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये वारंटी देख रहे हैं आप, 6 महीने की इसकी वारंटी है। और 1 मीटर इसका यूएसबी डाटा केबल मिलता है इसके साथ में। तो इस साइड देखने को मिल जाता है फास्ट चार्जिंग 2.4 एम्पियर डुअल पोर्ट चार्जर। तो इनपुट लेगा 100 से लेके 240 वोल्ट तक, और आउटपुट देगा डीसी 5 वोल्टेज 2.4 एम्पियर। डुअल यूएसबी पोर्ट है और इसका वेट है 37 ग्राम। तो ये चार्जर है डुअल यूएसबी पोर्ट वाला। अगर 4 यूएसबी पोर्ट वाला मल्टीपोर्ट चार्जर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से वीडियो देख के परचेज करना है तो परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए डब्बे से बाहर निकालते हैं। तो ये देख रहे हैं पेट्रोनिक्स ब्रांड चार्जर पे भी लिखा हुआ है। और ऊपर की साइड देख रहे हैं आप, ये टाइमिंग है आपका 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में जब भी आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है तो उतना ही बटन दबाइए तो पूरा रिंग लाइट जलेगा ये और आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा ये। तो ये देख रहे हैं 2.4 एम्पियर दोनों यूएसबी पोर्ट में है। तो चार्जर अच्छे क्वालिटी का है, ब्रांडेड चार्जर है। तो अगर ऐसे चार्जर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये माइक्रो यूएसबी टाइप इसके साथ एक केबल मिला हुआ है। तो देख रहे हैं डब्बे में से केबल निकला है, तो ये भी पेट्रोनिक्स ब्रांड का ही केबल है, तो अच्छा केबल है। यह है माइक्रो यूएसबी टाइप केबल। तो चलिए करते हैं आप शुरू। तो चलिए प्लगिंग करके देखते हैं इसको, बिजली के साथ कनेक्ट करके और मोबाइल चार्ज करके आपको भी बताएंगे। तो ये हमने यूएसबी इसके अंदर डाला है, तो आप देख रहे हैं अब इसको बिजली के साथ लगा रहे हैं बोर्ड में। तो ये हमने इसका स्विच दबाया पर ये जला नहीं है इसका लाइट, जब तक इसको प्रेस नहीं करेंगे जलेगा नहीं है। तो ये हमने मोबाइल में लगा दिया है इसका माइक्रो यूएसबी टाइप। तो देख रहे हैं आप लाइट नहीं जला, अब जैसे प्रेस करेंगे तब ये लाइट जल गया, देख रहे हैं आप। तो अगर मेरा एक घंटे के लिए एक दबाना, 2 घंटे के लिए 2 दबाना, 3 घंटे के लिए 3 दबाना, 4 घंटे के लिए 4 दबाना है, तो चारों साइड पूरी लाइट जलेगी इसकी रिंग वैसे। उसके बाद आप देख रहे हैं चारों साइड 4 घंटे के लिए लाइट जल जाएगी, 4 घंटे बाद ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा अपने आप चार्जर। अगर बिजली बीच में कट हो जाएगी और बिजली आएगी तो ये जलेगा नहीं, ऑटो कट रहेगा, तो जब तक बटन प्रेस नहीं कीजिएगा चलेगा नहीं है। तो गाइस, अगर 2 घंटे के लिए चार्ज करते हैं आप मोबाइल को और 2 घंटे में आप सो जाते हैं रात के टाइम में, तो ये 2 घंटा आपका फुल चार्ज करके ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा ये चार्जर।
अगर 3 घंटे के लिए है तो 3 घंटे में आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है, तो 3 घंटे में 3 बार बटन दबाइए और सो जाइए, ऑटोमेटिक फुल चार्ज करके बंद हो जाएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो एक फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Break some